ये देखो खत्म ही है वैसे भी, ये एक दो चार बचे हुए हैं। भाई दोस्तों भी सर से लेते हैं अलविदा, क्योंकि सर को जाना है दिल्ली भाई, जरूरी काम है इनको। तो वो तो हमें पता है कितना शरीफ है ये। ये देखो ये भाई, ये तो तोड़ लिया हमने भर के, इसकी सब्जी बनी बढ़िया। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू दिल्टू वैली होम। और भाई आज हमारे साथ यहाँ पे ना भाई सुभाष जी हैं, यहाँ पे मिलने आए हैं हमारे से, तो हमारी वीडियोस देखते हैं ये, और दिल्ली से हैं सर, तो तीर्थन वैले है सर, बहुत कम टाइम था भाई, जल्दी वापस जा रहे हैं, मतलब इनको जाना भी है, तो आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। हेलो सर। ये सुभाष जी हैं और भाई सारे मित्रगण भी साथ में आए हुए हैं, है ना भाई। सर हमारे भी आए हैं यहाँ पे दिल्ली से। और बताइए सर, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत सुंदर लगा आके यहाँ पे, और आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और आपकी लोकेशन आसपास, आपकी जो नदी किनारे आपने बना रखा है वो बहुत सुंदर लगा, और आपका है ना, हाँ जी, हाँ जी, जो हट्स बना रखे हैं वो इतनी शानदार लोकेशन पे है। हाँ मन कर रहा था कि यहाँ रुके हम, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन कुछ कार्य होने की वजह से हम सिर्फ मिलने आए आपसे, और इसीलिए हम जल्दी जाना पड़ रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हमारे सर कॉटेज भी बहुत ज्यादा लैविश नहीं है, बट ये कि हाँ मतलब लोकेशन के हिसाब से अच्छे हैं थोड़े, बस के हिसाब से उसकी लोकेशन बहुत बेस्ट है। हाँ जी जी, थैंक यू थैंक यू। वहाँ के आदमी अपना जो दिल्ली की भाग दौड़ से, हाँ शोर शराबे से, उससे बच के यदि आना चाहे ना, और कहीं आना चाहे तो आपके पास में है, इतनी शानदार लोकेशन है, बहुत बढ़िया। जी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत तरक्की करो, हाँ और आइए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सर फिर कभी मौका दीजिएगा, आप आइएगा हमारे पास ऐसे गेस्ट बन के, और ऐसी कोई चार्जेस वाली बात नहीं है, नहीं, नहीं, आप आइए फैमिली के साथ कभी भी। भाई दोस्तों भी सर से लेते हैं अलविदा, क्योंकि सर को जाना है दिल्ली भाई, जरूरी काम है इनको, तो फिर मिलेंगे कभी हम दोबारा, ठीक है सर, ओके। सुभाष जी दोस्तों भाई एक ही दिन के लिए आए थे, और भाई बहुत शॉर्ट स्पेन के लिए आए वो थोड़े, और चले गए वापस, वो कहते हैं समय कम है, वो फिर आए कभी फैमिली के साथ। ये दोस्तों भाई एक फीलिंग ही अलग है ना भाई, आप इतनी दूर से जो है भाई हमसे मिलने आए, और भाई इससे ना अप्रिशिएशन मिलता है भाई, बड़ा अच्छा लगता है, और ज़्यादा खुशी मिलती है, और प्रोत्साहन मिलता है भी कि हम वीडियो बना रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हमने जो स्टेप लिया है, तो हमें भी अच्छा फील होता है भी कि और लोग भी ऐसे पसंद कर रहे हैं, और हमें आगे जो है अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो इससे जो है भी हौसला भी बनता है। तीन दिन बाद भाई इतनी अच्छी धूप निकली है, अब देख रहे हैं आप भाई, तीन दिन से दोस्तों भी सब कुछ जो है बादलों से ढका हुआ था, पर आज का मौसम जो है अभी बहुत खिला हुआ है, देख रहे हैं भाई कैसे मतलब खिलखिलाती सी धूप है, और ठंडी ठंडी हवा तो चली रही है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। ये देखो भाई सब अपने कामों में बिजी दोबारा से। ये भाई पापा, ऋषि पापा काम नहीं और कोई? ये देखो भाई सुनने, गुड मॉर्निंग आंटी जी। हेलो भाई, आंटी जी ने भी सुबह सुबह अचार दिया है, किसी का अचार? दीपू पल्म का अचार है भाई, ये ना पल्म, ये अच्छा गुटली के साथ है ना? हाँ, पूरा ही है नहीं। हाँ इसको भी न्यूट्रिशन दे दो नाश्ते के लिए। ऋषि बेबी कर रहा है नाश्ता? अच्छा कर रहा नाश्ता, अच्छा जी वीडियो देखते थे नाश्ता होगा? नहीं, अचार टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। नहीं सब्जी की तरह नहीं, थोड़ा थोड़ा लगा देता हूँ, जरा सा लगा ना, बहुत खट्टा है। खट्टा है नहीं, पर डिफरेंट है मतलब ना। आज धूप निकली तो आज अच्छा लग रहा है, धूप अच्छी लग रही है, इतने दिन में धूप अच्छी नहीं लग रही थी। सब कुछ तो बादल से ढका हुआ था। सब्जी के पौधे ना उखाड़ देने, अभी अब टाइम चला गया इनका ना भाई, हर जगह सब्जियां नहीं होंगी, अब ना कुछ ही जो पौधे हैं भाई, कद्दू की बेल है, घी की बेल है जो लगी रही है, बाकी उखाड़ दी जाएंगे। लगते तो बैंगन इनमें अभी भी है ना, पर ये पूरे एरिया साफ कर देंगे ना, तो फिर देखते हैं अभी, थोड़ा बैठने को भी हो जाएगा यहाँ पे बढ़िया, और कुछ उगा भी लेंगे बाद में। इन सब्जियों को दोस्तों ना अब टाइम नहीं रहा भाई, अभी वैसे भी ना तोड़ लेते हैं जो थोड़ी बहुत है, ये वैसे भी सारे वेस्ट किए पता है, मतलब यहाँ घर पे भी कोई नहीं खा रहा, और आसपास भी कोई नहीं खा रहा बैंगन। ये तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ क्या होता है, जैसे आपने सब्जियां उगा रखी है तो आप किसी को दोगे, तो जो उनके पास सब्जियां उगी होती हैं वो आपको दे देते हैं। ये देखो खत्म ही है वैसे भी, ये एक दो चार बचे हुए हैं, इनको उखाड़ दिया जाए अब। ये ऐसे भी ठीक है, ऐसे जड़ से उखड़ जाएंगे, नीचे नीचे भी लगे हुए हैं भाई, ये देखिए मिट्टी मिट्टी झाड़ ली जाए इससे ना, इसको रख देते हैं यहाँ पे। भाई मैडम ने साथ साथ लंच की तैयारी भी कर दी है। पापा कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ, वहां कहाँ जा रहे हो? केले केले हैं, इधर आओ, वापस आओ।
आप चाहे कहीं भी हो ना, किचन में हो, रूम में हो, कहीं भी हो, इसका भाई इसको इसके पीछे आना पड़ता है, इसके पीछे पीछे भागना पड़ता है ना। इतना शरारती हो गया ना, कहीं भी कहीं पता ही नहीं चलता कब कहाँ निकल जाए, है ना। गंदा बच्चा, फिर ढूंढते रहो इसको। सारे बोलते हैं बहुत शरीफ है, जो इससे मिलता है ना बोलते हैं बड़ा बड़ा ही सीधा बच्चा, बड़ा ही शरीफ है। हाँ, पर वो तो हमें पता है ना, हाँ वो तो हमें पता है कितना शरीफ है ये। ये देखो, ये भाई इनको उतार लेते ना। देखो बहुत सारे करेले लगे हुए हैं यहाँ पे ना, ये पूरा ही भर गया करेलों से भाई। आज तो नहीं दोस्तों, पर लेकिन ये है कि नेक्स्ट व्लॉग में ना आपको इसकी सब्जी बना के दिखाएंगे, और बहुत टेस्टी सब्जी होती है इसकी। ये देखो ना, ये देखिए बहुत सारे लगे हुए हैं। ये देखो भाई, ये तो तोड़ लिया हमने भर के, अब इसकी सब्जी बनी है बढ़िया। ये भी छोटा सा डोंगा तो हमारा भर गया ऐसे पूरा ना। यस, गेट पे पहरा दे रहे हो यहाँ पे आप पापा, रीच यू। देखो ये लो भाई, हमने कर दिया अपना वादा पूरा, है ना भाई। मैंने दीपू को कहा था मैं ये सब्जी जब भर के दे दूंगा डोंगे की ना, तो उसने कहा था भी भर के होंगे तभी बनाए जाएंगे। तो ये देखो ये पूरा भर गया है, ठीक है। ये दो बार के लिए है। हाँ दो बार के लिए है, और भी अभी तो बहुत लगे हुए वहां पे ना, तभी तोड़ेंगे जब बनाएंगे, है ना त्रिची। ये ले खा ले, मीठा करेला, मीठा करेला खा ले। धोना है पहले। ऑर्गेनिक वो भी खा जा। अच्छा होता है ये पापा, सच में अच्छा होता है ये। भाई कुछ ही सब्जियां हैं जो मतलब ऐसे उग के ना डायरेक्ट खा जाती है। हम भाई इसमें कुछ भी पेस्टिसाइड वगैरह कुछ भी नहीं मिलाते, हम इसमें कुछ भी ऐसे खाद वाद नहीं डालते हैं। मैं लाइट देता भी तो आंटी ऊपर गाय पाल रखी है ना ऊपर जाके, तो वहां से मैं खाद लेके आता हूँ, तो वो डालते हैं हम, है ना भाई। अगर सूर्य के सामने छोटा सा बादल हट जाए ना, तो पूरी वैली में ऐसी ठंडक हो जाती है ना भाई, दो मिनट के अंदर ऐसा ठंडा हो जाता है भाई। जैसे भी छोटा सा बादल हट जाता है ना ये सूर्य के सामने, तो एकदम से मौसम बदल जाता है भाई। और वैसा मतलब ठंडी 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 हवा चल रही होती है, तो धूप बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और ऐसी ठंडक लग। तो मैडम भाई आप तो थक जाते हो, किसी को संभाल के नहीं भाई, मतलब 24 घंटे संभाल के थक जाते हो कि नहीं। वो तो है ही। ये मैं जब इसको कोई काम हो ना, जब इसको मतलब भूख लग रही हो या कुछ, तो मम्मी मम्मी बोलेगा। वैसे मजे मजे में मम्मा करेगा ऐसे ही मम्मी पता चल जाता है कि अच्छा इसने मम्मी बोला तो इसको ये गाओ। नखरे करता है ये। हाँ ये देख देख, अभी इसको मेरे पास आना है इसलिए मम्मा मम्मा कर रहा है। भाई बच्चों को पालने में जो अभी मम्मियों का रोल बताया जाता है ना भाई, मतलब पापा कहाँ हैं, कहाँ हैं पापा, पापा नहीं संभालते क्या है भाई। तो 5 मिनट पकड़ेंगे, 10 मिनट पकड़ेंगे, इससे ज्यादा इनसे पकड़ा नहीं जाता है, इससे ज्यादा इसके बाद ये क्या करते हैं, ये पकड़ा देते हैं, ये ले इसको भूख लगी। भाई मैडम की शिफ्ट होती है ना भाई, शाम से लेकर थोड़ी लेट नाइट शिफ्ट होती है ना, तो क्या इसके पापा नहीं देखते फिर, है ना। सुबह सुबह तो पापा और मैं ही बातें करते हैं। बोलो तू जाएगा रे, फटाफट ले आएंगे मेरे पास, ये ले तू रखा इसे, सोने भी नहीं देते मेरे को। वाह वाह वाह। भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई लेडीज नहीं जीता जा सकता, है ना, हमें हार माननी पड़ती है, मतलब हम हारे हुए पहले से ही, है ना पिंपी। हमारे दोस्त अभी वो बोलते हैं हमारे ब्लॉग्स जो है बड़े छोटे होते हैं, थोड़े और लंबे ड्यूरेशन के होने चाहिए। कुछ चीजें हैं भाई, कुछ काम है, थोड़ा सा लाइंड अप हो जाए, है ना, फिर हम थोड़े लंबे ब्लॉग्स बनाए करेंगे, थोड़े बड़े ब्लॉग्स बनाए करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, हम फिर आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय बाय।